पीएम मोदी ब्रुनेई के दौरे पर हैं। वो वहां जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। वहां के सुल्तान हाजी हसनल बुलकैया ने खुद पीएम मोदी को आमंत्रित किया था। ब्रुनेई बोर्नियो आइलैंड पर बसा एक छोटा सा मुल्क है। ये इतना छोटा है कि भारत के सिक्किम जैसे कई राज्य भी इससे ज्यादा बड़े हैं। अब इसकी आबादी की बात करेंगे, 45,05,885 है, जिसमें करीब आधे लोग राजधानी बंदर सेरी बेगवान में रहते हैं। ब्रुनेई की सीमा मलेशिया और साउथ चाइना सी से लगती है। छोटा सा मुल्क होने के बावजूद ब्रुनेई दुनिया का 13वां सबसे अमीर देश है। कुछ साल पहले तक ये दुनिया के टॉप 10 अमीर देशों में शुमार था। इसके अलावा इसके बारे में कुछ रोचक जानकारी देते हैं। यहाँ प्रति व्यक्ति आय भारत के मुकाबले 3 गुना ज्यादा है। भारत की प्रति व्यक्ति आय 10,123 अमेरिकी डॉलर है, तो ब्रुनेई दक्षिण पूर्वी एशिया में सिंगापुर के बाद दूसरे नंबर पर आता है। यहाँ की प्रति व्यक्ति आय 35,000 अमेरिकी डॉलर है। ब्रुनेई की आमदनी का मुख्य जरिया तेल और प्राकृतिक गैस भंडार है, जो तमाम देशों को यहाँ से निर्यात किया जाता है। हैप्पीनेस इंडेक्स में भी ब्रुनेई दुनिया के टॉप देशों में शुमार है। ब्रुनेई की राजशाही और सरकार यहाँ के गरीब लोगों को हर साल मुफ्त में जमीन और मकान उपलब्ध करवाती है। इसके लिए सरकारी योजनाएं भी चलती हैं। ब्रुनेई के सुल्तान हसनल बुलकैया की गिनती दुनिया के सबसे अमीर लोगों में होती है। फोर्ब्स के मुताबिक सुल्तान के पास 1.4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति है। ब्रुनेई के सुल्तान दुनिया के सबसे महंगे पैलेस में रहते हैं, जो 20 लाख वर्ग फीट में फैला है। उनके पास 7,000 लग्जरी गाड़ियां और कई प्राइवेट जेट हैं। ब्रुनेई कट्टर इस्लामिक देश है। साल 2014 से ये कड़े शरिया कानून का पालन करता है। साल 2019 की बात करेंगे, सरकार एक वहां पे कानून लेकर आई जिसमें गे सेक्स और एडल्ट्री व्यभिचार के मामले में अगर आप दोषी पाए जाते हैं तो उस व्यक्ति को पत्थर से मार मार कर जान लेने का प्रावधान है। यह चोरी जैसे छोटे मोटे अपराध में भी हाथ पैर काटने तक की सजा है। ये है इस देश की स्थिति।